किसान भाइयों, जुलाई अगस्त में आप कौन सी सब्जी की खेती करें, ऐसे में आपको ऐसी सब्जियों का चुनाव करना है जो आपको बारिश के समय अच्छा पैसा दे सकें, आपकी अच्छी आमदनी हो सके। इनमें से कुछ किसान भाइयों ऐसी सब्जियां हैं जो साग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो मचान प्रक्रिया अपनाकर आप उनकी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कौन सी सब्जी की खेती करें। किसान भाइयों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जुलाई में कौन सी सब्जी उगाएं। सबसे पहले आप पालक की खेती कर सकते हैं। पालक की खेती किसान भाइयों 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाती है और अच्छा मुनाफा देती है। किसान भाइयों, इसकी खेती की अगर हम बात करें तो 2 महीने में खेती ख़त्म हो जाती है, और जो इसका रेट रहता है किसान भाइयों, इस दौरान बारिश का महीना होता है और इसमें अच्छा किसान को पैसा मिल जाता है। किसान भाइयों, हम आगे से बात करते हैं कि आप अगस्त में शिमला मिर्च की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शिमला मिर्च की नर्सरी करनी होती है, और नर्सरी करने के बाद में फिर उसके पौधे की रोपाई की जाती है। किसान भाइयों, करीब 8 से 10 महीने की खेती होती है। आप अगर चाहें तो शिमला मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं मूली की। जुलाई में अगर मूली की खेती आप करते हैं तो ये आपको अच्छा पैसा देगी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, मूली का सलाद भी बनता है और मूली साग के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। 1.5 से 2 महीने में आपकी मूली तैयार हो जाती है, और इस दौरान बारिश में बहुत ही कम किसान होते हैं जो मूली की खेती कर पाते हैं, क्योंकि अगर मूली की खेती आप ड्रेन विधि से करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आगे से हम बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप तरोई की खेती कर सकते हैं और सतपुतिया की भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये एक मचान प्रक्रिया की खेती है। अगर आप बारिश के महीने में मचान विधि अपनाते हैं तो आप इसकी खेती अच्छी तरीके से कर पाएंगे। किसान भाइयों, ये भी करीब 3 महीने से 4 महीने की खेती होती है और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, लौकी की भी खेती आप कर सकते हैं। लौकी की खेती अगर आप मचान विधि से अपनाते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। किसान भाइयों, आप धनिया की भी खेती कर सकते हैं। इस दौरान किसान भाइयों, अगर बारिश के समय जुलाई में अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो धनिया जो होती है किसान भाइयों, बारिश में बहुत ही महंगी बिकती है। अगर आप सही तरीके से खेती करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बैंगन की खेती हमारे बहुत सारे किसानों ने कर दी है या नर्सरी करके उसकी रोपाई भी कर दी है। किसान भाइयों, अगर अभी भी आप बैंगन की खेती कर सकते हैं तो खेती कर सकते हैं। आप अगर बैंगन की खेती करते हैं तो करीब 8 से 10 महीने की खेती होती है, अधिक मुनाफा वाली खेती होती है। किसान भाइयों, टमाटर की भी किसानों ने रोपाई कर दी है, और उसके साथ साथ भिंडी की भी खेती कर दी है। किसान भाइयों, आप पत्ता गोभी और फूल गोभी की भी नर्सरी करके आप जुलाई और अगस्त में खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये भी बारिश के समय में अच्छा मुनाफा देती है अगर आप इसकी खेती सही ढंग से करते हैं। अगर किसान भाइयों, जल निकासी की व्यवस्था आपके खेत में अच्छी तरीके से है, जल का ठहराव नहीं होता है, तो इसकी खेती आप कर सकते हैं। हमारे कुछ किसान भाई हैं वो सेम की भी खेती कर लेते हैं, तो आप अगर सेम की खेती आपने नहीं की है तो उसकी भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो खेती हमने आपको बताई, खेती करने से पहले आपको एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपके खेत में जल निकासी की व्यवस्था है या फिर नहीं। अगर जल निकासी की व्यवस्था आपके खेत में नहीं है तो ये खेती आप उसी खेत में करें जहाँ पर आपके खेत में जल निकासी की व्यवस्था अच्छी ढंग से हो, ताकि जल भराव अगर आपके खेत में हो जाए तो आपकी जो फसल है वो बर्बाद होने से बच जाए। किसान भाइयों, ये थी जुलाई अगस्त में आप कौन सी खेती लगाकर अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। किसान भाइयों, अगर आप केले की खेती करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो पर जाकर आप केले की खेती की अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। केले की खेती कब और कैसी करनी चाहिए।